मैंने शाहज़ेन को तुम पर इतना गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखा है। बस इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी मॉम। ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा करता है, ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ता है मुझसे वो। हाँ, जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं तो इस तरह के इश्यूज खड़े होते हैं। इसकी जॉब का कुछ हुआ? नहीं ना मॉम, पहले बिजनेस का भूत इसके सर पे सवार हुआ था, लेकिन पैसे तो हैं नहीं, और जो पैसे मिले थे वो भी इसने बर्बाद कर दिए ना, खर्च कर दिए सारे। फनायल, तुम शाहज़ेन को प्रेशर दो। आखिर तुम दोनों कब तक मेरे घर पे रहोगे? मैंने वैसे भी बहुत हेल्प की है इसकी और सपोर्ट भी बहुत किया है। तुम्हें तो पता है आजकल जो सबसे ज़्यादा एहसान करता है आखिर में वही बुरा बनता है। सॉरी मनाहल, शायद ज्यादा गुस्सा कर गया। तुम वादे करते थे मुझसे कि निकाह के बाद बदल जाओगे, पर अफसोस आज तुम्हें मॉम का भी ख्याल नहीं रहा। तो और क्या करता मैं? पहले बाबा ने मुझसे गाड़ी छीन ली, तुमने भी वही किया। वो गाड़ी मेरी नहीं है, मॉम की है शाहज़ेन, और उन्हें जब भी जरूरत होगी वो तुमसे गाड़ी वापस मांगेंगी। तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि वो मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी दूसरी बीवी का भी खर्चा उठाया हुआ है उन्होंने। तो मुझे बस इतना बता दो ये सब कुछ कब तक चलेगा? कोशिश कर तो रहा ना मैं यार। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए अब। मुझे भी कोई शौक नहीं है घर दामाद बनकर घर में पड़े रहने का, किसी का आसान लेने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तुम ही हमेशा कहते हो कि एक मजबूर इंसान सिर्फ हमदर्दियां हासिल करता है, वरना अकल और कोशिश के इस्तेमाल से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मजबूरी तुम हो, तुम्हारी खातिर तो कर रहा हूं ये सब। मैं बेजार हो गई हूं इन हालात से। आई अंडरस्टैंड, बिलीव मी, ये बुरा वक्त ना गुजर जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, बिलीव मी। इंतजार करते करते कहीं मेरी हिम्मत में जवाब देती।